तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू नया वीडियो। आप देख रहे हो टेक टाइम। आज मैं लेके आ गया आपके लिए ओप्पो F22 Pro 5G का एक लीक वीडियो। आया मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन कैसा आएगा और कैसा नहीं। और फ्रेंड्स ये चाइना में लॉन्च होने वाला है और इसकी स्पेक्स भी मुझे सही पता लग गई है। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले इसकी डिजाइन की बात करते, बैक से आपको प्लास्टिक का मिलने वाला है और जिसकी साइड के फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक के मिलने वाला है। एंड इसकी जो बैक है आपको लेदर फिनिश के साथ आएगी, मतलब बैक लेदर की नहीं है, उसकी डिजाइन लेदर जैसी होगी। आप इसको टच करेंगे तो लेदर की फील आएगी एंड मुझे पकड़ने के बाद प्रीमियम फील होगा। और देखिए साइड के फ्रेंड आपको प्लास्टिक में वो बॉक्सी डिजाइन के साथ फोन आने वाला है, तो फ्रेंड आपको इंडियन फील में थोड़ा बढ़िया लग सकता है, लेकिन आपको केस यूज करना पड़ेगा। एंड इसे कैमरा का साइज बहुत छोटा सा और कैमरा के साथ आपको एक रिंग लाइट सी मिलती है, जैसे आपको वीवो V27 Pro में मिली थी उसी तरह की लाइट है। वीवो ने इसको ओरा लाइट नाम दिया था, ओप्पो इसको पता नहीं कौन सा नाम देगा। मुझे कमेंट में बताना क्या लगता है ओप्पो इसको क्या नाम दे सकता है। इसके अंदर आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंस मिलती है एंड गोरिल्ला का स्पाइक की प्रोटेक्शन फ्रंट डिस्प्ले मिलती है। तो फ्रेंड ओवरऑल स्पेस के अंदर आपको इसी तरह की स्पेक्स मिलती है, उसी तरह के फोन है थोड़ा। अब इसके डिस्प्ले की बात करें तो आपको 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो कि 128 के सपोर्ट साथ आएगी। एंड फ्रेंड इसके आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलती है जो कि स्पेस के फोन में आजकल मिलने लगी, ऐसे ओप्पो के 8T मिलने लगी, रियलमी मिलने लग गई है। और डिस्प्ले के कलर्स की बात बताऊँ तो इसके कलर्स आपको बढ़िया मिलने वाले, क्योंकि इसमें आपको 1 बिलियन प्लस कलर मिलने वाले, तो आपके कलर्स बहुत बढ़िया आएंगे। एंड इसके आपको HDR10+ एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा, तो आपको नेटफ्लिक्स जगह पे कंटेंट देखना हो तो बहुत बढ़िया आसानी होगी। अब डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस की बात बताऊँ मैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 13 की पीक ब्राइटनेस मिलने वाली है, तो आपको आउटडोर यूज़ करना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्रेंड ये डिस्प्ले बहुत ब्राइट होने वाली है। एंड इसके कलर्स में आपको बता दिए बहुत बढ़िया होने वाला है, तो ओवरऑल इसकी डिस्प्ले बढ़िया होगी। बस इसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले नहीं मिलेगी जो कि इस प्राइस के अंदर काफ़ी फोन में मिलने लग गई है। अब हम इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर मतलब परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। जैसे आपको मीडियाटेक Dimensity 1080 प्रोसेसर मिल रहा है जिसके एंटीट्यूड स्कोर आपको 5 लाख से अबव मिलते हैं। एंड फ्रेंड ये ओवरऑल प्रोसेसर नॉर्मल टास्क के लिए बढ़िया है, जैसे आपको नॉर्मल फोन चलाना है, हल्की फुल्की गेमिंग करनी है उसके लिए बढ़िया है, लेकिन आपको ज़्यादा गेमिंग करनी है तो आपको Snapdragon 870 मिलता है इसी प्राइस पॉइंट के अंदर। आई थिंक ओप्पो का इसके आपको 778D तो मिलना ही चाहिए Snapdragon का, क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मल टास्क के लिए और थोड़ी गेमिंग के लिए बढ़िया प्रोसेसर है। अब इसे कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं, जैसे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिलता है। अब फ्रेंड्स आप मुझे कहेंगे रेडमी के फोन में 200 मेगापिक्सल मिल जाता है इस प्राइस पॉइंट में, या 108 मेगापिक्सल ही मिल जाता है। अब फ्रेंड्स बाकी इसके आपको मैक्रो कैमरा मिलता है जो कि फ्लैश लाइट के साथ होगा, तो इसके मैक्रो फोटो बहुत बढ़िया आएंगे। एंड ओप्पो की फोटो वैसे ही बहुत बढ़िया आते थे, इसकी फोटो बढ़िया आएगी मुझे उम्मीद है। एंड इससे आप 4K 60fps पे रिकॉर्ड कर लेंगे, एंड इसके सेल्फी कैमरा से आप 1080p 60fps पे रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड फोन के अंदर OIS का सपोर्ट मिलता है तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड साथ ही में फोन के कैमरा के अंदर आपको नाइट मोड एंड बाकी अलग मोड भी मिलते हैं, जैसे ब्यूटी मोड एंड बहुत सारे फिल्टर्स मिलेंगे। मैं कहना चाहूँगा इस कैमरा को बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और बाकी फ्रेंड्स अगर कोई कमी होगी तो ये लॉन्च होगा, इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो आएगा हमारे चैनल पे, उसमें बता दूंगा इसमें क्या क्या कमी होगी, मतलब इसमें क्या क्या कमी है उस टाइम पे। अब इस स्मार्टफोन की बैटरी की बात बताऊँ तो इसमें आपको 4398 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसको चार्ज आपको 80W का चार्जर बॉक्स में मिलेगा जो कि ओप्पो का सुपर वॉक चार्जर होगा। अब इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की बात करते तो इसमें आपको कलर वॉच मिलना है जो कि Android 13 में बेस्ड होगा। एंड फ्रेंड्स कलर वॉच में आपको बहुत से फीचर्स मिलते हैं कस्टमाइजेशन के जो कि बढ़िया लगते हैं। इनका फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत बढ़िया लगता है, एंड फिंगरप्रिंट सेंसर से मुझे आ रहा है इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, क्योंकि इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो कि बढ़िया बात हो जाती है। एंड इसकी स्पीड आपको डिसेंट मिलना है। अब इस स्मार्टफोन के प्राइस की बात बताऊँ मैं फ्रेंड्स, तो इसका प्राइस आपको 25,000 के ऊपर मिलने वाला है, और भी 6GB+128GB के वेरियंट का। एंड इसका 8GB+256GB का वेरियंट आएगा, जिसके आपको LPDDR4X रैम मिलने वाली एंड UFS 3.3 की स्टोरेज मिलेगी जो कि फास्ट स्टोरेज है। एंड फ्रेंड्स की लॉन्च डेट आपको अप्रैल तक मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, लाइक की सब्सक्राइब की मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।